सो गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियोस। और आज का जो व्लॉग है वो मायावती जी के पार्क, जहाँ देख सकते हैं आप हाथी हाथी हर जगह हाथी। तो गाइस एक अच्छी चीज़ है कि हाथी वाला पार्क है ये, बहुत अच्छा। इसका जो सफाई साफ सफाई कर रखी है, जो फाउंटेन यहाँ इतने बड़े बड़े हैं, काफ़ी अच्छी है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये पार्क ऐसा है कि घूमने लायक काफ़ी अच्छा पार्क मेरा। मैं तो बोला था नहीं आते, मगर भाई कह रहा है चल यार एक बार चल ही लेते हैं, आस पास है, तो मैंने बोला चल ले। अभी आप देख रहे हो पीछे जो सनसेट का है, कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बावजूद। बगल में ओखला बट सेंचुरी, और वहाँ से जो ठंडी हवा आ रही है, और भाई एवन कर दे रही है वो सारी चीज़ें, फीलिंग गुड कर दी भाई सही में यार। और यहाँ अभी सनसेट हो रहा है, और आप जैसे देख सकते हैं कि सारे के सारे हाथी, जहाँ तहाँ हाथी। और ये हाथी तकरीबन कितने फीट, 10 फीट ऊपर होंगे ना? दस फीट से ऊपर ही लग रहे हैं अरे। इनका वेट कितना होगा? ये हाथी अभी आपको लगे सिर्फ 10 फीट के, 10 फीट से तो काफ़ी ऊपर है। 10 फीट में नॉर्मली बोल रहा हूँ, ये है आपके 14 फीट। और ये देखिए नीचे बिल्कुल मार्बल की फिनिशिंग हो रखी है। काफ़ी तगड़ा पैसा खर्च किया है इसी लुक को, कि लोग आएंगे देखेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ साफ़ सफाई के लिए। अगर यहाँ सिर्फ लकड़ी का वुड का काम किया होगा तो वो तो अभी तक ख़राब हो जाता है, मगर महंगी चीज़ महंगी होती है। तो गाइस देखिए कितना बड़ा हाथी, गर्म हो रहा है। यहाँ आपको दिखेंगे करीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस लाइन में 13-14 हाथी है भाई। इनका वेट कितना होगा इन मार्बल्स का? ये शायद POP से बना रखी है ना? हाँ राजस्थान पत्थर है। नहीं यार, हाँ ये अब देख सकते हैं आप, ये राजस्थान का पत्थर है। 15,000 kg के ऊपर ही होगा इनका वेट, इतना वेट है। तो आप जैसे फ़ोटो शूटिंग चल रही है, कोई भी आता है मस्त करके फ़ोटो वोटो खींचता है, ये शौक बन गया यार आजकल का है। ऐसे आपको दिखाता हूँ, एक वहाँ से भी फ़ोटो खींच रहे हैं, सही है, बिल्कुल शौक बन चुका है। ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ संसद भवन है यहाँ। सो गाइस अब हम इसके अंदर जाएंगे, जैसा आपको पूरा दिख रहा है इसके अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ होने वाली है, और उसके बाद सबको एक साइड करके बिल्कुल फील करेंगे अंदर, अगर कुछ फील करने लायक होगा, वरना नॉर्मल वीडियो बनेगी और सबको दिखेगी ऐसा ही कुछ होगा। सौरभ भाई को ये लोकेशन बड़ी प्यारी लगी। सौरभ भाई मतलब उभर नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, जैसे होता है ना निकल वो चीज़। तो यहाँ का भीमराव जी की मूर्ति है, भीमराव जी की मूर्ति है। और गेट देखो आप भाई, कितना बड़ा गेट है, अबे ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। पास जाते हैं ना तो इसको खोलने के लिए भी एक आदमी चाहिए। मैं अपने हाथ दिखाऊँ, ये देख आदमी कितना सा लग रहा है इसके सामने। इस कुंडी को खोलने के लिए एक आदमी चाहिए, और दरवाज़ा खोलने के लिए आदमी चाहिए। मैं जैसे आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अभी बंद हो रखा है ना, तो आपको दिखाता हूँ एक हल्की सी झलक अंदर क्या चीज़ है। तो गाइस जैसे हम यहाँ आ चुके हैं, ये गेट किसी कार्य से बंद कर चुका है, मतलब कार्य तो अभी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। ये बंद क्यों कर रखा है तो आपको पता ही होगा, कहने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी हैवी डोर, और हाइट वाइज तो इसकी पूछो मत, इतनी हाइट है ना, देख सकते आप तकरीबन 30-35 फीट की बात कर रहा हूँ मैं, 30-35 फीट इसकी हाइट है डोर की। तो गाइस जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने सोचा था अंदर से हॉलो होगा, मगर आओ ये देखिए, ये पूरा हाथ में आ रहा है, और
कोई हॉलो नहीं है, मतलब इतना बड़ा है ना ये देखिए, इतना इसका जो विड्थ है इतना बड़ा है, मान सकते हैं ये 30 सेंटीमीटर का तो इसका विड्थ ही है। दिखाइए अंदर, जाइए अंदर दिखा दूँ। ये देखिए गाइस, मैं कैमरा अंदर ले जा चुका हूँ और पूरी चीज़ दिख रही होगी आपको। तो जो ऐसा होता है ना कि पार्क वाली जगह, पार्क में आते हैं शाम को, तो अब जो है लोग आना शुरू हुए हैं और उसके बाद मैं आपको अब पीछे ले जाता हूँ, जो मेन आपको एक फाउंटेन है वहाँ ले जाता हूँ, फिर करते हैं व्लॉग। अब मेरे पीछे जैसा आप देख ही रहे होंगे सूरज ढल रहा है ना, ये देखें ये चीज़ देखें क्या प्यारी आ रही है, विदाउट इफेक्ट सर्कल आ रहा है मेरे आँखों के सामने। अगर मैं हल्का सा सूरज में फोकस मारता हूँ तो मेरा आगे का पूरा चेहरा जो है वो ब्लैक हो जाता है और पीछे सिर्फ आपको सूरज दिखता है बिल्कुल येलो उस कलर में। तो गाइस अब हम आ चुके हैं फाउंटेन के पास, आपको भी नीचे दिखा दूँ, हर जगह मार्बल मार्बल दिखेंगे, मार्बल्स की कॉमिक्स, मार्बल्स का वो वाले मार्बल्स नहीं, ये मार्बल्स हैं। ये देखिए गजराज महाराज, ओहो फाउंटेन तो कहाँ से चलेंगे यार, फाउंटेन तो सब बंद कर रखे हैं। ये आपको शेल दिख रहा है, स्नेल का शेल जैसा लग रहा है, इस शेल में देखते हैं क्या होता है, अब आपको दिखाता हूँ। वैसे अलाउ नहीं है ऊपर आना, फाउंटेन अभी बंद हो रखा है, पानी वानी कुछ नहीं है, इसलिए मैं ऊपर आया। और इनको जैसे आप हाथियों देख सकते हैं, नीचे प्रेशर आ रहा है, तो शायद इनके आप सूंड में देखिए यहाँ से पानी के फुहारे आते थे, ये चीज़ है। तो इसी के दो एक्स्ट्रा और ऊपर लगे पड़े हैं ऐसे ही पैटर्न, उनसे भी पानी आता है। और जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये स्नेल का है ना, तो स्नेल का है तो यहाँ से भी पानी आता है, जैसे देख सकते हैं आप। या ऐसा होता होगा कि ये सूंड से पानी सीधा डायरेक्ट इसमें आता होगा, ऐसा तो मुश्किल है यार, इतना एग्जैक्ट कौन करेगा, ऐसा नहीं होता होगा यहाँ से भी। तो गाइस यही था मायावती जी का पार्क, इस पार्क में आओ और अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं औरों से। और इस पार्क की टाइमिंग आपको शायद मेरे ख्याल से 5 से 6 की जो टाइमिंग है, 1 घंटे में आप पूरा पार्क भी घूम लोगे। और जो सूरज जिस टाइम हल्का हल्का नीचे जाता है वो टाइमिंग है 5 से 6। इतना ही था इस पार्क में, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो गाइस इस पार्क में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा ना जो आपने मतलब लगा नहीं होगा कि इस पार्क में होगी वो ऐसी चीज़, और वो ऐसी चीज़ पता है क्या है, ये देखिए पिल्ले, छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले, देखो अब एक एक करके सबको बुलाऊंगा, जो आ गया पिल्लो पिल्लो पिल्लो, ये देखो कैसे भौंक रहे हैं। आजा।